मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि देश और धर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों की स्मृति का यह दिवस हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवाणी का कीर्तन करके यहां पर उन सभी साहबजादों की स्मृति को नमन कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस मुख्यमंत्री कार्यालय में, इस मुख्यमंत्री आवास में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो कीर्तन यात्रा निकली थी उसका भी यहां पर पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विगत वर्ष भी हम लोगों को यहां पर साहबजादा दिवस के अवसर पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यह वर्ष फिर हम सबके इस पावन कार्यक्रम के साथ मिलन का एक आयोजन यहां पर हो रहा है। सचमुच जब हम लोग बात करते हैं, भारत के मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि गुरु नानक देव जी से चली वह परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी तक एक शक्ति पुंज बनकर के, यानी भक्ति से शक्ति का एक अद्भुत संगम हम सबको कहीं देखने को मिलता है, तो वह भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम भारत की सिख परंपरा है। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं, और मैं तो कह सकता हूं कि गुरु नानक देव जी का समय कौन सा था जब बाबर के हमले भारत के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आते आते ये हमले भले ही तेज होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत का सिख इतिहास इस बात को कहता है कि उन विदेशी आतताइयों का अंत सिखों ने ही अपने समय में, गुरु हमारे इन गुरु परंपरा ने ही उस समय कर दिया था। उन्हें इतना छीण कर दिया कि वे आगे पूरे भारत को इस्लाम में बदलने की जिस मंशा के साथ आए थे, आज भारत भी बचा है, भारत का सनातन धर्म भी बचा है, हर देश और दुनिया में सिख कौम जहां कहीं भी है अपने पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत को गुलाम बनाने की मंशा और भारत को इस्लाम में बदलने की मंशा के साथ जो आए थे, आज उनका नामो निशान मिट गया है। यानी ये चीज हमें बात बताती है कि भारत की ये गुरु परंपरा ये कोई सामान्य गुरु परंपरा नहीं है, ये दिव्य परंपरा है। ये वह परंपरा है जो अपने एक विशिष्ट आयोजन के लिए, विशिष्ट मार्गदर्शन करने के लिए उस कालखंड में हिंदुस्तान को बचाने के लिए ही आई थी, और देश और धर्म का बचाव करते हुए उन्होंने एक मार्ग हम सबको दिखाया। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, व्यक्ति हो या समाज, कोई जाति हो या समुदाय, अपने इतिहास को विस्मृत करके वह कभी अपने उज्जवल भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जब हमारा एक एक सिख बंधु सिखी परंपरा का सम्मान करते हुए उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो वास्तव में आप देश और धर्म के प्रति गुरु परंपरा की उन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं जो मध्यकाल में, जो मध्यकाल में देश और धर्म को बचाने के लिए उस कालखंड में किया था। आप याद कर सकते हैं गुरु नानक देव जी ने बाबर को
जावर कहने का साहस कोई करता है तो उस कालखंड में गुरु नानक देव जी करते हैं। कश्मीरी पंडितों को रक्षा करने के लिए अपना शहादत देने वाले गुरु तेग बहादुर जी कौन उन्हें विस्मित कर सकता है। विदेशी आक्रांताओं का जवाब देने के लिए अलग अलग सिख गुरुओं ने अलग अलग समय में जो प्रेरणा प्रदान की कि अगर आप बाधा बनेंगे हमारी धार्मिक परंपरा में तो हम भी इसका जवाब इसी रूप में देंगे, अलग अलग कालखंड में देखने को मिला। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उन्होंने अपने विचित्र नाटक में सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ कह दिया है। वह न केवल उस कालखंड के लिए, आने वाले समय के लिए भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार सुपुत्रों साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुजार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, इन चार साहबजादों के इस पावन दिवस को यहां पर मना रहे हैं, सचमुच हम सब का मन अंतःकरण से श्रद्धा और सम्मान के साथ भरता है माता गुजरी देवी के प्रति। आप याद कर सकते हैं एक मां जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को देखा हो, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने चार चार अपने पुत्र के भी सुपुत्र चार चार सुपुत्रों को बलिदान होते हुए देखा हो, कितनी मजबूत माता रही होगी गुजरी माता। ये भारत का इतिहास है और यही इतिहास है जिसने हमें विदेशी आक्रांताओं से जूझने उससे लड़ने की एक नई प्रेरणा निरंतर दी है। और वही निरंतर प्रेरणा चार साहबजादे अपने बलिदान से भारत को दिए हैं। कौन नहीं जानता है कि जब औरंगजेब के सिपासालार जालिम वजीर खान ने इन साहबजादों को तमाम प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास किया, वे अपने बात से टस से मस नहीं हुए। देश और धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का विचलन चारों साहबजादों को स्वीकार्य नहीं था, नहीं स्वीकार्य था। दो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और दो सरहिंद की दीवारों पर चुने जाते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी से जब कहा जाता है कि आपके चार पुत्र चारों के चारों शहीद हो गए, क्या भाव था, क्या तेज था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यही कहा था कि चार मुझे तो क्या हुआ, जीवित सही। ये जीवित कई हजार की बात जब वे कहते हैं तो सनातन धर्म की रक्षा करने के अपनी वचनबद्धता को ही आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने यही कार्य किया। ये चार यानी चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार का मतलब ये जितने भी अभी हैं ये सब मेरे ही पुत्र हैं, यानी पूरा हिंदुस्तान मेरा पुत्र है और इन सब के लिए हम आगे अपना कार्य करेंगे। जो ये भाव है, ये भाव हम सबके मन में गुरु परंपरा की प्रति अपार श्रद्धाओं का भाव पैदा करता है। और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, मुख्यमंत्री आवास में कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है, कोई अन्य कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन मेरा यह मानना है यहां पर कार्यक्रम होने चाहिए, वे होने चाहिए जो भारत के इतिहास को एक नई दिशा देते हो और भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाला एक कार्यक्रम है। साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव, आज की वर्तमान पीढ़ी को एक नई दिशा देने का कार्य, आज की हमारी पीढ़ी युवा पीढ़ी देश और धर्म के बारे में जान सके, अपने सच्चे इतिहास को पहचान सके,
सिख गुरुओं के योगदान का स्मरण कर सके, उनकी प्रति सम्मान का भाव भी पैदा कर सके। ये कार्यक्रम करके हम सिख पंथ पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिख पंथ उपकार की चीज ही नहीं है, ये तो पुरुषार्थ से बना है, गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है, निरंतर जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम देश में दुनिया में जहां कहीं जाते हैं पूरे गर्व के साथ पूरे गौरव के साथ अपनी सिखी को बचाते हुए। एक सिख जब कार्य करता है हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। यह है भारत की परंपरा, और उस परंपरा को बनाए रखने के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी ये हम सब करेंगे, सरकार करेगी, सरकार उसमें आपके साथ में है, कहीं उसमें कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए। एक दिन मैंने रात्रि में ऐसे ही परविंदर को फोन किया 10 बजे, ऐसे मैंने कहा भी मुझे यहां के कुछ ग्रंथियों के साथ बातचीत करनी है, क्या आ सकते हैं? उन्होंने कहा अगले 15 मिनट में। मैं सोचता था कि लगता है मेरा पूरा रात खराब करेंगे, और मैं अनिश्चित बैठा था। तब तक मुझे जानकारी मिली के साथ बाहर जो है 12-15 सभी जो हमारे यहां के पूज्य ग्रंथी हैं अलग अलग गुरुद्वारों के रात्रि में आ चुके थे। तब तक मैंने कहा यह होता ही प्रतिबद्धता, यानी 10 मिनट पहले मैं जानकारी देता हूं और अगले 10 मिनट में वे सभी एकत्र होकर के मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित हो जाते हैं। यह है प्रतिबद्धता, और वह प्रतिबद्धता हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बात यहां पर कही गई कि गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को पाठ्यक्रम में स्थान देना, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है आज की हमारी पीढ़ी देश और धर्म के बारे में सही जानकारी ले सके। 7 साल 9 साल क्या उम्र होती है, एक भी तो बालिक नहीं था आज की दृष्टि अगर आप देखेंगे, लेकिन देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। न दैन्यम न पलायनम की बात उन्होंने जो भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले कहे थे, उस समय भी वह दृश्य अगर हमें देखना है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के अंदर इस बात को देखने को मिलता है। मैं भी देख रहा था, अभी हम लोग काशी में गए थे, काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय हम लोगों ने देखा वहां पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्णमंडित किसने किया, तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने। दो टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्णमंडित किए। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण मंदिर को स्वर्णमंडित करते हैं। बोले अब ये तो दृष्टि है, हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन लोग थे कौन नहीं जानता, और विदेश गुलाम था, विदेशी हम लोगों को झेलना था, तब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने वाले और उसके लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे। और पहली बार आपने देखा होगा एक नवजात शिशु अपने पिता को प्रेरणा दे रहा है शहादत के लिए, किसके लिए शहादत के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए।
ये भारत के इतिहास में कहीं और दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलता है। एक बालक अपने पिता को कह रहा हो कि पिता आपसे ज्यादा अच्छा बलिदान और किसका हो सकता है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने समुदाय के लिए भी नहीं, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। दुनिया में कहां देखने को मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी किसके लिए लड़ रहे थे, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन उनकी शहादत को विस्मृत कर सकता है। यानी ये अपूर्व योगदान, एक दिव्य शक्तियां थी, ये सामान्य शक्तियां नहीं थी, सामान्य गुरु की सामान्य परंपरा नहीं थी, ये दिव्य विभूतियां थी। हम सबको एक नया तेज देने के लिए, एक नया, यानी उस कालखंड में जब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, लोगों के सामने अंधकार ही अंधकार था, जीवन की कोई आस नहीं थी, उस समय जीवन की आस लेकर के कोई आया था तो गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख परंपरा आई थी। और सिख परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतीय का दायित्व तो बनता है, और उस सम्मान और श्रद्धा के भाव के साथ ही आज हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी हम सबको यहां पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यद्यपि मेरा, हम लोग चाहते थे और भव्य स्तर पर एक कार्यक्रम होने चाहिए, सामान्य कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, बहुत भव्यता के साथ। और मैं तो कहता हूं अलग विषय है, गुरुद्वारा हमारे लिए पवित्र स्थल है, गुरुद्वारों में हम लोग जाते हैं कार्यक्रम में, लेकिन केवल गुरुद्वारों तक ही सीमित क्यों होने चाहिए गुरु परंपरा के कार्यक्रम। हर हिंदू घर में होने चाहिए, हर भारतीय के घर में होने चाहिए। भारत की एकता और अखंडता, भारत की स्वाधीनता के प्रति जो भी व्यक्ति सजग है उसके मन में गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भारत की पूरी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, भाजपा शासित जितने भी सरकारें हैं, वे सभी गुरु परंपरा के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए निरंतर एक जो भी जिस भी स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने तो पहले भी कहा था, प्रस्ताव बना करते गुरुद्वारों के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारों के बारे में क्या कुछ किया जाना चाहिए। मैं जाता हूं यहागंज गुरुद्वारे में, कितना वहां पे संकरा है, कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहां पर कार्यक्रम करने के लिए अवसर नहीं मिल पाता। उसके विस्तारीकरण पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हो सकता है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी ऐतिहासिक, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में वहां आए थे, इतनी ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए स्थल और एक तंग गली में सीमित रह जाए, एक विस्तृत कार्य योजना का एक प्लान उसका तैयार होना चाहिए। हम लोग इसमें और भी सहयोग का भरपूर सहयोग करेंगे, सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। और यही नहीं, यहां पे सिख गुरुओं के इतिहास को लेकर के संग्रहालय की बात हो रही, मुझे आज एक पत्र मिला है और मैं चाहूंगा इसकी एक प्लानिंग हो, अच्छी हो, ऐतिहासिक भी हो लेकिन साथ साथ इतिहास के साथ जोड़ते हुए, इन घटनाओं के साथ हो, तकनीक के साथ जोड़ते हुए। अब तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है और तकनीक के साथ जोड़ते हुए अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वर्तमान पीढ़ी उसके साथ जुड़ेगी, बहुत मजबूती के साथ जुड़ेगी। राज्य सरकार का इस संबंध में आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं एक बार फिर से सिख गुरुओं के प्रति, चार साहबजादों को के इस बलिदान के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको साहबजादा दिवस की, यहां पर आज के इस अवसर पर आप यहां पर आए हैं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, विश्वास करता हूं कि हम लोग इस परंपरा को निरंतरता बनाए रखते हुए भव्यता के साथ आगे बढ़ा करके वर्तमान पीढ़ी को इस बलिदान के प्रति निरंतर प्रेरित और प्रेरणा करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।